सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एचआर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी के अंदर नर्सिंग की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसीज़ में अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और जो है क्या स्टार्टिंग डेट है और क्या लास्ट डेट है, सारी जानकारियाँ आपको इस YouTube चैनल के द्वारा मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक देखना और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नर्सिंग की तमाम जानकारियाँ, पूरे भारत की हर एक नर्सिंग भर्ती की जानकारी नर्सिंग एजुकेशन YouTube चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सबसे पहले जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो अभी बेल आइकन आएगा, उस पर आप ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा ये पीडीएफ और इसके अलावा और भी जो पीडीएफ होती है, हम वीडियोज़ डालते हैं, उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और नर्सिंग असिस्टेंट जो मैं अपने ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ये दोनों वैकेंसीज़ है, एक और दो दोनों वैकेंसीज़ है एक होने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटनरी में एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म के लिए 15 नवंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर तक अपने फॉर्म चलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन है वो 1 से 30 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद में जो है एग्ज़ाम है वो एक्सेक्टेड लोकेशन और वो होने वाला आपका नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो joinindianarmy.nic.in इसकी ये ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों, नीचे हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो है नर्सिंग की वैकेंसीज है उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप टेलीग्राम पर जाकर आप इजीली से इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं और सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सेना के अंदर यदि नर्सिंग असिस्टेंट यदि बनना चाहते हैं तो एज है वो 17.5 से लेकर आपकी एज है वो 25 साल के बीच में होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे, इसके बाद में जो है आपका एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। यदि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, वज़न है वो अकॉर्डिंग चार्ट है इसमें दे रखा है, इस चार्ट के अनुसार इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, ये आपको जो है पूरा इसमें चार्ट के अंदर दे रखा है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, इसमें क्या जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज़ है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये वैकेंसीज़ रैली के माध्यम से 12th पास जो स्टूडेंट है, जिन्होंने 12th पास की है साइंस या किसी भी माध्यम से, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद में आपका जो है ज्वाइनिंग मिलने वाली है। सेम प्रोसेस है जो 12th के बाद में होगा, वही जीएनएम की कैंडिडेट का होगा। हाँ, वहाँ पर यह है कि अलग से वो ट्रेनिंग करवाएंगे, ये ट्रेनिंग आपकी जो है वैलिड नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।